अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए बच्चे और सभी बड़े नमाज पढ़ के आ चुके हैं, सभी बच्चे बैठे हैं। चलिए तो अब खाने की तैयारी शुरू करते हैं। 3 किलो मटन बनेगा जो गरम मसाला लिया है, 3 किलो हिसाब से प्याज ली है, ये तेल गरम हो चुका है, लहसुन अदरक है, गरम मसाला डाल चुके हैं, बाद प्याज डाल देंगे। 1 किलो में 3 सर्विंग स्पून भर भर के प्याज डालना है और 1 किलो के हिसाब से ही 2 सर्विंग स्पून भर भर के लहसुन अदरक डालना है। 1 किलो में 3 बड़े चम्मच मिर्ची डलेगी और 3 बड़े चम्मच ही धनिया लेना है, ये भी हम डाल देते हैं लहसुन अदरक और प्याज के पेस्ट में। मसाले को अच्छी तरह चलाते हुए पानी डाल डालकर 30 मिनट तक भूनना है। देखो जी सब बच्चे आ रहे हैं नमाज पढ़ के, बैठे हैं सब। तीन किलो मटन लिया है, ये बकरे का गोश्त है, इसको अब हम अच्छी तरह मल मल कर धोएंगे। सबसे पहले मटन को 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगा देंगे। देखिए एक तरफ ये कलेजी बन रही है, कलेजी भी लगभग बन चुकी है, इसको मसाले में डालकर भूनना है अब 15 मिनट के लिए, ताकि कलेजी में जो स्मेल आती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। देखिए अब मटन धुल रहा है, इसको अच्छी तरह साफ करना है। गोश्त को अच्छी तरह 3-4 बार पानी से धोना है और निकाल निकाल कर इसको दूसरे बर्तन में हम रखते जाएंगे। देखिए इसको मैंने कुकर में डाल दिया है, अब इसमें 3 बड़े चम्मच भर भर कर नमक डालना है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 बड़ी प्याज डालकर 4 सीटी लगा लेंगे। देखिए कलेजी अच्छी तरह भुन चुकी है, ये बन चुकी है, अब सालन की तैयारी करते हैं। देखिए बकरे का गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है, अब इसको हम मसाले में डालकर 15 मिनट के लिए भूजेंगे मीडियम फ्लेम पर। गोश्त उबालने के बाद जो पानी बचा है इससे हम सालन करेंगे। ज़्यादा पतला सालन नहीं करना है क्योंकि इसको हम मांडे के साथ सर्व करने वाले हैं। अब इसको और उठाएंगे और हल्का गाढ़ा कर लेंगे, इस समय नमक टेस्ट कर लें। देखिए सालन बन चुका है, इतना गाढ़ा इसको रखा है, ये कलेजी भी बन चुकी है, इसको भी एक डिश में निकाल लेते हैं। दस्तरखान बिछ चुका है, अब खाने की तैयारी शुरू करते हैं। देखिए ये मांडे भी रख लिए हैं प्लेट में, ये सभी खाना खाने बैठ गए हैं। तो एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से बकरा ईद, ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में, इसी तरह आप भी अपने घर में ये त्यौहार मिलजुल कर मनाइए। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।